हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज कुछ अलग हटके डिस्कस करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि विंस्टन चर्चिल द पीएम ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कभी भारत को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहता था एंड ही हैड वेरी वेरी निगेटिव व्यूज अबाउट गांधी एंड इंडिया एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। आज कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं, वॉट चर्चिल यूज टू थिंक अबाउट गांधी जी एंड इंडिया, कुछ उसके बारे में जानते हैं। एक जस्ट दिस स्पेशल फीचर इन अ लाइटर वेन, कुछ अलग से हट के जानने की कोशिश। हाउ यूजफुल वॉज इंडिया फॉर ब्रिटेन? चर्चिल स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट अनलेस गांधी एंड हिज मूवमेंट वर क्रश्ड, इंडिया वुड बी लॉस्ट, एंड इफ इंडिया वुड बी लॉस्ट, द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कॉन्सुमेटेड। अगर ये इंडिया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर से बाहर, तो डाउनफॉल निश्चित है। फॉर चर्चिल द लॉस ऑफ इंडिया वुड मीन फेमिन इन ब्रिटेन, भारत में भारत जाएगा इंग्लैंड के हाथ से तो अकाल पड़ेगा और वहाँ की लैंकाशायर की कंपनियाँ इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो इंडिया बहुत नेसेसरी था इंग्लैंड के लिए, ऐसा चर्चिल हमेशा मानता रहा। शायद आपको नहीं पता होगा कि चर्चिल इंडिया में कुछ समय के लिए पहले भी रहा था। अराउंड 1897 उसने 10 महीने यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे काम किया था। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, भारत में उसने ऑफिसर के तौर पे काम किया है और ऑफिसर के तौर पे जो रहा है उसकी नॉलेज मिलिट्री बैरक्स के बारे में है, पोलो ग्राउंड्स के बारे में है, गवर्नमेंट हाउसेस के बारे में है, लेकिन जो उसने अपने व्यूज़ भारत के बारे में बनाए हैं वही हमेशा बेसिस रहेंगे ऑफ हिज पॉलिसीज थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल कैरियर। वो जो 10 महीने का उसका स्टेंट यहाँ पर था ऑफिसर के तौर पे, वही व्यूज वो कैरी करता रहा सारी उम्र भारत को लेके। वो मानता था कि ब्रिटेन वॉज डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क इन इंडिया एंड द एम्पायर कुड लास्ट फॉर एवर विद द इंडियन पीपल हैव नो राइट टू थिंक ऑफ फ्रीडम वाइल दे हैड द गुड फॉर्चून ऑफ लिविंग अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वो मानता था कि ये भारतीयों के लिए एक तरीके से बहुत यूजफुल, इंग्लैंड का जो शासन है वो उनको हर तरीके से उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है और वो फॉर्चुनेट हैं कि इंग्लैंड उनका शासक है और कभी फ्रीडम भारतीयों की नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1897 के बाद उसने कभी भारत पे कदम नहीं रखा। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है कि 10 महीने वो यहाँ पर इंडिया में ऑफिसर के तौर पर रहा था। वैसे 1906 में एक गांधी और चर्चिल की मीटिंग हुई थी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीकन इंडियंस के लिए एक प्ली रखने आए थे। तब ही वॉज अंडर सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनीज हुआ करता था। गांधी जी केम एज ए स्पोक्स मैन फॉर द राइट्स ऑफ हिज कंट्री मैन इन साउथ अफ्रीका। ओबियसली गांधी जी इस समय एक बैरिस्टर के तौर पर थे, तो ही केम एज अ इन सूट एंड टाई। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर चर्चिल रिमेंबर्ड दिस मीटिंग। एक मीटिंग हुई थी गांधी और चर्चिल की, चर्चिल इस मीटिंग को रिमेंबर नहीं करता है। 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन टॉक्स होने जा रहे हैं 1931 फरवरी मार्च में, एंड गांधी जी वॉज इन्वाइटेड फॉर टॉक्स विद इरविन। और जब ऐसा हुआ है तो चर्चिल ने बोला है ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। कहता है गांधी अ मेलिग्नेंट सबवर्सिव फैनेटिक, a seditious middle temple lawyer now posing as a fakir of a type well known in the east, striding half naked up the steps of viceregal palace। jab viceroy ki palace jise aaj rashtrapati bhavan kehte hain tab wo shuru hui thi, nayi ekdam nayi newly built hai aur shuruaat hui hai irwin ke samay jab gandhi ji seedhiyan chadh rahe hain, tab usne bola, us picture ko dekh ke kehta hai ki malignant hai, bilkul negative hai और सेडिशियस मिडिल टेंपल लॉयर है, और जैसे हाफ नेकेड फकीर इंडिया में होते हैं ईस्ट में, और वो वाइसरीगल की पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ता है, दिस इज़ नॉट गुड। वो तब उसने गांधी जी को बोला है हाफ नेकेड फकीर। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होती है गांधी जी, तब वो गांधी जी के बारे में सस्पिशन करता है, परहैप्स ही इज़ वर्किंग विद द जैपनीज, फाइंड आउट। चर्चिल कहता है इंडियन गवर्नमेंट से। अगस्त 1942 को इंडिया मूवमेंट होता है। चर्चिल ऑल्सो कन्विंस हिमसेल्फ दैट गांधी वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सिस पावर्स। गांधी एक्सिस पावर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, जबकि पोस्ट करते हैं दैट वो फांसीवाद नाजीवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं।
आर्काइव्ड ब्रिटिश डॉक्यूमेंट शो दैट इन सितंबर 1942 चर्चिल रोड टू एमरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत का जो समय होता था, प्लीज लेट मी हैव अ नोट ऑन मिस्टर गांधीज इंट्रीग्स विद जापान, जापान के साथ जो षड्यंत्र चल रहा है गांधी का, एंड द डॉक्यूमेंट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड और एनी अदर दे पदेस्ट बिफोर ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर मुझे बताइए कि क्या गांधी जापान के साथ काम कर रहे हैं। 3 दिन बाद अमेरिका रिप्लाई आता है, द इंडिया ऑफिस हैज नो एविडेंस टू शो और सजेस्ट दैट गांधी हैज इंट्रीग्ड विद जापान। द ओनली एविडेंस ऑफ जैपनीज कॉन्टैक्ट्स विद गांधी ड्यूरिंग द वॉर, एमरी कंटिन्यूड, रिलेट्स टू प्रेजेंस इन वर्धा ऑफ टू जैपनीज बुद्धिस्ट प्रीस्ट हु लिव्ड फॉर पार्ट ऑफ 1914 गांधी आश्रम। एक ही लिंक मिलता है कि दो बुद्धिस्ट जैपनीज प्रीस्ट वर्धा आश्रम में गांधी जी के रहे थे, इसके अलावा जापानियों के साथ उनका कोई संबंध है ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ भी चर्चिल को मुंह की खानी पड़ी है। 1942 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है आगा खान पैलेस पूना, और गांधी जी को फोर्स किया जा रहा था कि आप लोगों को बोलिए कि वो जो ये वायलेंस शुरू कर दी है क्विट इंडिया के दौरान, मूवमेंट के दौरान, ये बंद की जाए। गांधी जी को जब फोर्स किया जाता है तो गांधी जी 21 दिन का फास्ट आगा खान पैलेस पूना में शुरू कर देते हैं। फिर चर्चिल को शक होता है, फिर वो कहता है, चर्चिल डेवलप्ड अनफाउंडेड सस्पिशंस अबाउट गांधी, दिस टाइम कन्विंसिंग हिमसेल्फ दैट द इंडिया इंडियन मीन्स गांधी वॉज सीक्रेटली यूजिंग एनर्जी सप्लीमेंट्स एंड देयरफॉर नॉट रियली फास्टिंग। वो गांधी जी के फास्ट को नहीं मानता था, कहता था ये सब झूठ है, बकवास है, ये ड्रामा कर रहा है। ऑन फरवरी 13, 1943 चर्चिल वायर्ड लिनलिथगो द वाइसराय, आई हैव हर्ड दैट गांधी यूजुअली हैज ग्लूकोज इन हिज वाटर and when doing his various fasting antics, would it be possible to verify this? Verify करो क्या वो ग्लूकोज लेता है पानी के साथ। 2 दिन बाद लिनलिथगो का आंसर देता है, this may be the case, हो तो सकता है, find out करता हूँ, but मुझे बताया गया है, his present medical attendants tried to persuade him to take glucose yesterday and again today and that he refused absolutely. बोला तो गया है उनको, लेकिन उन्होंने absolutely मना कर दिया है। यहाँ भी उसका शक अनफाउंडेड होता है, कोई उसमें ग्राउंड नहीं मिलता है। यहाँ भी वो मुंह की खाता है एंड गांधी जी सक्सेसफुली कंप्लीटेड इस 21 डे फास्ट। चर्चिल ये भी कहता है इंडियन गवर्नमेंट से, इस फास्ट को रोकना नहीं, लेट हिम डाई, ही इज द ओनली इम्पेडिमेंट बिटवीन अस एंड आवर एम्पायर, हमारे एम्पायर और हमारी एम्पायर के बीच में यही हाफ नेकेड फकीर खड़ा है, इसका फास्ट को रोकना नहीं। दिस प्रॉम्प्टेड एन इक्वली डिसअपॉइंटेड रिप्लाई फ्रॉम चर्चिल, इट इज नाउ seems certain that the old rascal will emerge all the better from his so-called fast. Glucose की बात negative निकलती है तो कहता है ये तो certain हो गया है कि तो और better निकल कर आएगा इस fast के बाद। और गांधी जी को 1944 में health grounds पर रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी ने चर्चिल को लिखा है, Dear Prime Minister, you are reported to have a desire to crush the simple naked fakir. As you are said to have described me, गांधी जी ने एक आंसर दिया है उसे, आप मुझे हास नेकेड फकीर कहते हैं जैसा आपने मेरे बारे में कहा है, क्रश करना चाहते हैं। आई हैव बीन लॉन्ग ट्राइंग टू बी अ फकीर, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, दैट टू नेकेड, अ मोर डिफिकल्ट टास्क, नेकेड रहना और डिफिकल्ट टास्क है। आई देयरफॉर रिगार्ड द एक्सप्रेशन एज ए कॉम्प्लीमेंट, दो अनइंटेंडेड, वैसे मेरे लिए कॉम्प्लीमेंटेड है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है, वैसे आपकी तरफ से इसका इंटेंशन नहीं है, बट मैं इसे कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। आई अप्रोच यू देन एज सच एंड आस्क यू टू ट्रस्ट एंड यूज मी फॉर द सेक ऑफ योर पीपल एंड माइंड एंड थ्रू देम द यूज दोस ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस हाफ नेकेड फकीर का इस्तेमाल करें अपने लोगों के फायदे के लिए, भारतीयों के फायदे के लिए और पूरी दुनिया के फायदे के लिए। दिस इज वॉट गांधी रिप्लाइड टू चर्चिल इन 1944। दिस वॉज द एक्सिस बिटवीन गांधी एंड चर्चिल। तो चर्चिल नेवर वॉन्टेड इंडियंस टू बी इंडिपेंडेंट, वो भारतीयों को जानवर के तौर पे देखता था, दीज आर द बीस्टली पीपुल एंड दे हैव अ बीस्टली रिलीजन, ये बीस्टली पीपुल हैं और इनका बीस्टली रिलीजन है, वो कहता था, दे आर द बीस्टली पीपुल एंड दे हैव अ बीस्टली रिलीजन, सो ही नेवर थॉट ऑफ इंडियंस इन अ गुड लाइट। दैट वॉज चर्चिल एंड गांधी एंड इंडिया। तो एक छोटा सा फीचर मैंने बनाया फ्रॉम अ बुक ऑफ रामचंद्र गुहा, जस्ट बाय द वे, कुछ अलग से जानने की कोशिश। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ऑडियो एंड अ वीडियो, थैंक यू।